हमारे पास जा कितने रहे हैं 60 से 70 हजार कम से कम, और लेने के लिए कितने हैं 4 से 5 हजार। सो यू हैव टू इन एनी केस खाद तो डालनी ही है, पौधों को जाने से तो रुकना ही है। सीजन में फ्रीज ना हो क्योंकि ह्यूमिडिटी हाई होती है तो ब्रेकेज ऑफ एयर बढ़ जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि सिल्क पिलो कवर यूज कर लो क्योंकि फ्रिक्शन कम होगा। अदरवाइज ये ऐसा कोई नहीं है कि कॉटन पिलो कवर से कोई प्रॉब्लम है, बट हाँ अगर यू वांट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन, ताकि स्टैटिक चार्जेस जो होते हैं बिटवीन द हेयर शाफ्ट एंड द बेडशीट और द पिलो कवर शुड बी लेस, सो दैट द हेयर लुक्स लेस फ्रिजी। मैम जैसे बात करें हेयर प्रोडक्ट्स की, इस टाइम पर लोग अलग अलग तरह के शैम्पूज, कंडीशनर, सीरम एंड इनफैक्ट स्ट्रेटनिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग, कलर रिबॉन्डिंग, इतनी सारी चीजें आ चुकी है अभी, तो क्या ये हमारे बालों के लिए सेफ है और किस तरह से हम देख सकते हैं कि ये हमारे लिए सेफ है और ये नहीं है? देखो एक जनरल रूल की पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री शैम्पू यूजुअली बालों के लिए अच्छा रहता है, बट स्कैल्प अगर बहुत ऑयली हो तो वो सफिशिएंट नहीं होगा स्कैल्प को क्लीन करने के लिए, तो कुछ ऑयल कंट्रोल या क्लैरिफाइंग शैम्पूज भी हफ्ते में एक या दो दिन करने पड़ सकते हैं, बिकॉज दैट माइट नॉट बी इनफ फॉर, वैसे हम चाहते यही है कि पैराबिन और सल्फेट फ्री हो। पीएच जितना एसिडिक होगा, हालांकि इंडियन जो जितने कमर्शियली अवेलेबल शैम्पूज है ना, दे डोंट राइट द पीएच, तो आइडियली पीएच मेंशन हो। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स में जो मेडिकेटेड है वो लिखा होता है कि दिस मच इज द पीएच, एंड वो पीएच एसिडिक होता है तो वो बेटर रहता है। एल्कलाइन पीएच जैसे आप साबुन से सर धो रहे हैं तो उल्टा बाल को ज्यादा नुकसान करेगा। तो शैम्पूज माइल्ड शैम्पू हो और स्कैल्प सरफेस पे अच्छे से थोड़ी देर मसाज करके फिर हेड वॉश करना होता है ल्यूक वार्म वाटर से। बहुत गर्म पानी से सर नहीं धोना, उससे भी नुकसान होता है। और ठंडे पानी से? हाँ ठंडा इज ओके, ल्यूक वार्म इज ओके, बहुत गर्म पानी नुकसानदायक। ओके, और मैम जैसे ये अभी स्ट्रेटनिंग कर्लिंग ये सब? वो तो देखो स्ट्रेटनिंग में जितने भी प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, आप केराटिन करा रहे हो, स्मूथनिंग करा रहे हो, वो प्रोटीन के नाम पे सेल जरूर हो रहे हैं कि भाई हम प्रोटीन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट उस प्रोटीन को हेयर शाफ्ट में पेनिट्रेट कराने के लिए जो केमिकल्स यूज होती हैं जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, सोडियम थायोग्लाइकोलेट, वो काफी टॉक्सिक नेचर के होते हैं। अगर आपका बाल स्पेशली पतला है तो ये केमिकल ट्रीटमेंट्स अवॉइड करो, क्योंकि देयर आर चांसेस दैट माइट लीड टू ब्रेकेज ऑफ दी हेयर शैफ्ट, या कभी रेयरली कराना है, बहुत मन हो रहा है तो करवाओ, और वो भी पहले अगर पहले बाल को अच्छा न्यूट्रिशनल केयर करो, लाइफस्टाइल को अच्छा करो, बाल को मोटा करो, डॉक्टर से मिल लो, अच्छे हेल्दी हेयर हो गए तब रिस्क लेने का चांस कर सकते हो। ओके, अगर करना ही है तो मतलब बहुत रेयरली अगर हाँ, और कोशिश करें आप अपने ब्यूटिशियन से डिस्कस करें फॉर्मेल्डिहाइड फ्री प्रोडक्ट्स के लिए भी जाएं। ठीक है, जैसे आप बात कर रहे थे कि स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत जुड़े हुए हैं हेयर फॉल से, तो जैसा आपने बताया कि साइकिल है, स्ट्रेस होगा हेयर फॉल होगा, हेयर फॉल होगा स्ट्रेस होगा, तो इससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर इसका मतलब किस तरह से हम बच सकते हैं? वही बात होगी ना कि आप कोशिश करो, कोई बंदा 3 बजे रात को सोता है, यू शुड ट्राई एंड रिव्यू कि भाई मैं 2 बजे सोना शुरू करूँ, फिर 2 हफ्ते बाद और कोशिश करो 1 बजे सोना। आज 3 बजे जो सो रहा है उसको हम ये तो नहीं कह सकते कल से 10 बजे सो जाइए, वो लाइफ स्टाइल एकदम एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। 1 आवर के लिए मॉर्निंग या इवनिंग वॉक जरूर हो, या योगा हो, या कुछ भी, टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, टॉकिंग टू योर फैमिली मेंबर्स, दैट रिलीज योर स्ट्रेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्ट्रेस जनरेट्स कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, ब्लड सप्लाई रिड्यूस करता है अराउंडिंग एंड फॉलिकल, तो वो भी रिड्यूस कर रहा है, और DHT जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है लड़के लड़कियों दोनों में हेयर थिनिंग कर रहा है, तो DHT इंड्यूस्ड हेयर थिनिंग प्लस कॉर्टिसोल भी बन गया तो और बाल ले जाएगा, तो दोनों सगे संबंधी हो गए और दोनों नोटोरियस है। ठीक है, अच्छा, और DHT का पहले हम इतना ही हेयर थिनिंग इतनी अर्ली एज में नहीं देखते थे, जब आई रोट माय थीसिस ऑन हेयर लॉस इन 2002 एट प्रेस्टीजियस मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, तो तब हम इस तरह की हेयर थिनिंग इतनी अर्ली एज में प्रेजेंटेशन नहीं देखते थे। अब मैं देखती हूँ 13 साल का लड़का पैटर्न बॉडनेस यहाँ से बाल गए हैं,
15 साल की लड़की सेंटर में खाली, आई वॉज लिटरली शॉक टू सी कि बाल उसने ऐसे कवर किए हुए थे, जब हमने ऐसे हटाई देखे हैं तो बाल ही नहीं है. सो मतलब इट्स वेरी मतलब डिस्ट्रेसिंग फॉर दी पेशेंट एंड दी फैमिली मेम्बर्स बोथ. पेरेंट्स कह रहे हैं कि मैम इसका पढ़ाई में ही ध्यान नहीं लगता, ये जो बाल जा रहे हैं तो इसका सारा टाइम उसी से पे ऑब्वियसली ट्रॉमा लगता है, फील होता है, क्योंकि आपके लुक्स इससे मैटर करते हैं. एक्चुअली इससे इस ग्रुप में पीयर ग्रुप प्रेशर भी बनने लग जाता है ना, सो दे गेट अफेक्टेड बाय दैट. हम जैसे हम बात करते हैं कि ऑयलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेयर, सो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार जरूरी है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दो दिन में एक बार करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम कंडीशनर करते हैं. तो मैं जानना चाहूंगी कि ऑयलिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं है. नहीं, ऑयलिंग के फायदे तो बहुत है क्योंकि सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, मसाजिंग है, पर जेंटल मसाज करना है. अच्छा, ओवरनाइट ऑयलिंग नहीं करनी है क्योंकि आज की डेट में बहुत लोगों को डैंड्रफ का इशू है. तो डैंड्रफ से फिर वो ऑयलिंग करेंगे तो डैंड्रफ और इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑयलिंग नहीं करनी है. अगर मतलब ओवरनाइट अगर आपने करना है, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज यूजिंग रोजमेरी ऑयल 3%. तो रोजमेरी कैसे यूज करेंगे, 3 ml रोजमेरी ले और एक कैरियर ऑयल की बॉटल, जैसे जोजोबा ऑयल मिलता है या ग्रेप सीड ऑयल मिलता है, 100 ml बॉटल में 3 ml उसका निकाल दें और 3 ml रोजमेरी डाल दें. 3% रोजमेरी सॉल्यूशन बन गया. शैम्पू करने से 2-2.5 घंटे पहले बालों की जड़ों में मसाज कर लें अच्छे से और फिर हेड वॉश करें. सो इट इज थेरेप्यूटिक ऑल्सो और न्यूट्रिशन भी देगा बाल को, मतलब ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा और कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं तो शायद डैंड्रफ में भी फायदा करे, ऐसा हम सोच के चलते हैं. बट इन एनी केस नुकसान कुछ नहीं करेगा, जो करेगा फायदा ही करेगा. और ओवरनाइट ना लगाएं क्योंकि हो सकता है उससे डैंड्रफ नहीं. और डैंड्रफ तो हेयर लॉस का एक बहुत बड़ा कारण है. डैंड्रफ कभी हेयर थिनिंग नहीं करता बट हेयर फॉल करता है, तो आपको वो वही है कि डैंड्रफ को एप्रोप्रिएटली ट्रीट करना है. मैम, जैसे आपने बताया कि रोजमेरी ऑयल और जोजोबा ऑयल, तो जैसे कि इस टाइम पर हमारे जो इंडियंस हैं वो ज्यादातर या तो कोकोनट ऑयल यूज करते हैं या फिर सरसों का तेल. सरसों नहीं रिकमेंड करते, सरसों बिल्कुल नहीं रिकमेंड करते, उससे नुकसान होगा बालों को, स्किन को भी नुकसान होता है, पिगमेंटेशन वगैरह इंक्रीज हो जाती है. नारियल का तेल आप फिर भी लगा सकते हैं, वो भी वही शैम्पू से 1.5 घंटा पहले, बट लाइट मसाज और एग्रेसिव विग्रस मसाजिंग नहीं करती है. ओके, एंड हाफ एन आवर इज इनफ, हाफ एन आवर टू 1 hour बिफोर शैम्पू. मैम, टू कंक्लूड दिस इंटरव्यू, मैं जानना चाहूंगी कि व्हाट आर द अवेलेबल ट्रीटमेंट्स फॉर हेयर फॉल, सर्जिकल नॉन सर्जिकल, ऐसे कौन से हैं? तो अर्ली स्टेज में कराएंगे तो अब सर्जरी की कभी नौबत भी आएगी, ट्रांसप्लांट की नीड ही नहीं है. अगर इफ यू स्टार्ट अर्ली, आपने फॉलिकल बचा लिया, बस गेम इज ओवर. ये पर उसे बचा के रखना है क्योंकि वो भागता रहेगा, तो आपको लिटरली पकड़ के रखना है बाल को, क्योंकि बॉडी इसमें सपोर्ट नहीं कर रही है आपको, क्योंकि बॉडी का फंक्शनल यूजेज नहीं है बाल का, है ना. तो इसलिए आप ट्रीटमेंट्स में जाएं तो मेडिकल मैनेजमेंट, कुछ लोशन, सीरम्स, मल्टीविटामिन्स हो गए, प्लस मीजोथेरेपी होता है. देन आई डू अ लॉट ऑफ एडवांस्ड पीआरपी, पीआरपी मींस कुछ ग्रोथ फैक्टर्स लेके हम ट्रीटमेंट करते हैं. फिर हेयर ट्रांसप्लांट तो सर्जिकल ऑप्शन हो गया. सर्जिकल ऑप्शन का मतलब जब रूट लॉस हो गया, जड़ें खत्म हो गई हैं, तो पीछे से आपने समझो पौधे उखाड़े और आगे लगाए, अगर यहाँ के पौधों की जड़ें खत्म हो गई हैं. कोशिश करो जड़ जाने ही मत दो, बिकॉज हमारे पास इतनी जड़ें पीछे अवेलेबल नहीं है कि हम पीछे से आगे को कॉम्पनसेट कर सके. हमारे पास जा कितने रहे हैं, 60-70 हजार कम से कम, और लेने के लिए कितने हैं, 4-5 हजार. सो यू हैव टू इन एनी केस हाथ तो डालनी ही है, पौधों को जाने से तो रोकना ही है. सो दैट इज दी समरी. मैम, बहुत ही अमेजिंग इंटरव्यू रहा, बहुत ज्यादा नॉलेज हमारे व्यूअर्स को मिली होगी. जाते जाते मैं आपसे कुछ मिथ्स जानना चाहूंगी हेयर फॉल को लेकर और कुछ टिप्स भी. मिथ्स यही कि जैसे लोग कहते हैं भाई ये उंगली रगड़ो बाल आ जाएंगे, तो ये मिथ है. और फिर उल्टा खड़े हो जाओ, ठीक है वो एक आसन है, योगा है, तो वो आप जनरल हेल्थ के लिए आप योगा स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एक्सपेक्टिंग इट टू ब्रिंग योर लॉस्ट हेयर, ये तो बिल्कुल एक मिथ है.
प्याज का रस लगा रहे हो तो ठीक है, कोई मेजॉरिटी केसेस में कोई नुकसान नहीं करेगा. देन अगेन डूइंग इट टू प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ मील पैटर्न बोल्डनेस अगेन इज समथिंग. देयर आर नो साइंटिफिक स्टडीज. एलोपेशिया एरियाटा में अनियन जूस का फिर भी कुछ साइंटिफिक वैलिडेशन है. और बहुत तेज तेज करूंगी रगड़ना कि भाई मैं ब्लड सप्लाई बढ़ा रहा हूँ, या कभी कई दिन तक करना ही ना कि भाई मैं तो कई दिन तक कंघी भी करूंगा, क्योंकि कंघी करूंगा तो बाल चले जाएंगे. नहीं भाई, वो बाल टीलोजन फेज में दे एनीवेज हैव टू गो. सो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कंघी करने में, मतलब पेड़ की पत्ती वो ब्राउन बन चुकी है, तुम मिलाओ ना मिलाओ वो गर्मी तो है. मैम अगर टिप्स की बात करें, कुछ ऐसी होम रेमेडीज हैं, जैसे हमने एक होम रेमेडी डिस्कस की ना, रोजमेरी ऑयल, ये इसकी कुछ स्टडीज भी आ रही हैं. सो आई एम होपिंग कि ये फायदा करेगा पेशेंट्स को. फिर हम लोग डर्मा रोलर भी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं. डर्मा रोलर इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर इम्प्रूविंग दी ब्लड सप्लाई अराउंड दी हेयर फॉलिकल. पर उसका सही मेथड आना जरूरी है, वो डॉक्टर से आप डिस्कस कर सकते हैं कैसे करना है. होम रेमेडीज में हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट, प्रोटीन रिच डाइट, केमिकल्स से जितना दूर रह सकते हो, ब्लो ड्रायर्स, हेयर कलर्स, कॉस्मेटिक्स यूज इट बिल्कुल कभी कोई रेयर फंक्शन है तब करना है. ट्राई एंड मिनिमाइज दी यूज ऑफ केमिकल्स एंड हीट ट्रीटमेंट्स. जितना बॉटम लाइन यही है कि बाल को बाल रहेंगे तभी तो आगे नेक्स्ट फंक्शन के लिए यूज कर पाओगे. So, ma'am, thank you so much. It was a great interview. Thank you for your time. Thank you so much.